सबसे चर्चित जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जो लोग सोचते हैं या जो चीज़ें आती थी सामने, उसमें कितनी सच्चाई है कि का संबंध ISI या पाकिस्तान या बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी मुसलमान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले थे पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी एजेंट है, ये उचित नहीं है। बहुत सारे मुसलमान अब हो गया, उसको हम नहीं डिफेंड कर रहे हैं। क्या दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोई पाकिस्तान और ISI कनेक्शन था? ये सवाल लाखों बिहारियों के जहन में हमेशा रहता है। इस पूरे मामले पर अब जाने माने वकील YV गिरी ने बड़ा खुलासा किया है। जनसुराज के सदस्य बनने के बाद जाने माने वकील YV गिरी ने हमारे संपादक सुजीत झा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान जब शहाबुद्दीन के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर इस पूरे मामले पर बात की। क्या कुछ कहा YV गिरी ने, जरा सुनिए। ये हो गई, आप तो वकील थे सबसे चर्चित जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जो लोग सोचते हैं या जो चीज़ें आती थी सामने, उसमें कितनी सच्चाई है कि उनका संबंध ISI या पाकिस्तान या बहुत सारी चीज़ें आती थी। अब देखिए, हम लोग पहला तो अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में ही डिफेंड करते हैं और कोर्ट में के बाद कोर्ट में डिफेंड किया और जज के सामने प्रस्तुत किया कि इनका केस, ये निर्दोष हैं, इन पर आरोप नहीं बनता है, ये सजा के लायक नहीं है, इनको जमानत होनी चाहिए। पब्लिक में हम लोग नहीं डिफेंड करते हैं, क्रिमिनल क्लाइंट्स आई हैव नेवर डिफेंडेड इन द पब्लिक, वो हमारा काम नहीं है। पब्लिक में वो जाने, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जाने, जिस पार्टी से वो आते हैं उनके परिवार लोग जाने, हमारा काम कोर्ट में डिफेंड करना है। इसलिए और हमारे यहाँ एक बहुत कोई भी मुसलमान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी एजेंट है, ये उचित नहीं है। बहुत सारे मुसलमान नेशनलिस्ट भी हुए हैं। अब हो गया, उसको हम नहीं डिफेंड कर रहे हैं। AK-47 का क्या फोटो हुआ, लेकिन जो क्रिमिनल केस उन पर हुआ, उन पर क्या आरोप हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर क्या एविडेंस एक्ट के अनुसार क्या उनका डिफेंस हो सकता है, वो सब हमने किया है। अब हकीकत क्या था ये हम नहीं जानते, लेकिन इसी आरोप के साथ बेचारे गुजर गए। हाँ, गुजर गए तो देखिए, गुजरना तो सबको है। गुजरना तो सबको है। देखा आपने किस अंदाज में पूरे मामले पर YV गिरी ने साफ कर दिया कि जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पाकिस्तान और ISI कनेक्शन की चर्चा तेज हो जाती है, लेकिन कई मुसलमान नेशनलिस्ट भी होते हैं, ये भी YV गिरी ने बिहार तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह दिया। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से सुजीत झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे।